नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो चार बातें एक साथ इस देश में हुई हैं जिनका सीधा सीधा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, संघ प्रमुख मोहन भागवत से है, देश के सुप्रीम कोर्ट से है, देश की संसद से है, मोदी सरकार से है। तो ये चार बातें अगर इतने महत्वपूर्ण लोगों से, इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़ी हुई है तो वाकई में बहुत शानदार और बहुत खास हो, और अगर इन चार बातों पर अमल हो जाता है तो आज जैसा खून खराबा, जैसा हैट्रेट, हेट स्पीच, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उदयपुर, अमरावती, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार, ये सब हो रहा है, ये सब एक ओवेसी, ये सब एक झटके से खत्म हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा? विवेचना करते हैं। पहले बात करें किसकी, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण नहीं, तृप्तिकरण पर जोर देना है। आगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तो बात हुई, लेकिन मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने की बात हुई। 70% मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा निकालने की बात हुई। उत्तर प्रदेश में 80-20 बीजेपी करती रही, लेकिन 80% मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव को मिला, लेकिन 8% बीजेपी को भी मिला। अखिलेश के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी ही रही। मायावती और कांग्रेस को 3-4% से ज्यादा वोट नहीं मिला था। अब मुसलमान कहते हैं कि साहब हम तो बीजेपी को वोट दे दें, लेकिन बीजेपी हमें टिकट ही नहीं देती, हमारा सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाती और हम पर यकीन नहीं करती, सत्ता का भागीदार नहीं बनाती, तो हम कैसे वोट दे दें? बीजेपी को लगता है कि भाई ये वोट तो देते नहीं, जब हमें नहीं वोट देते, इनके वोट के बगैर हम जीत जाते हैं, तो फिर सत्ता में इनकी भागीदारी कैसी, क्यों फिर मंत्री बनाया जाए खामखा? मुख्तार अब्बास नकवी एकमात्र मुस्लिम मंत्री थे मोदी मंत्रिमंडल में, उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ और खत्म सियासी रूप से, या उपराष्ट्रपति शायद बन जाए, उपराष्ट्रपति बनने के बड़ी पहल है ये। तो कुल मिलाकर जो मोदी जी ने कहा स्नेह यात्रा की बात हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो क्या मानकर चला जाए कि बीजेपी अब पहल करेगी? कायदे से तो बीजेपी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसी को पहल करनी चाहिए। क्या अब वो मुसलमानों को टिकट देना शुरू करेगी? क्या मुसलमानों को टिकट देकर, उन्हें जिताकर, सत्ता में भागीदार बनाकर फिर मुस्लिम वोटों पर कब्जे की कोशिश होगी? मुसलमान बिखरा हुआ है, अभी रामपुर का उपचुनाव हुआ, लोकसभा का, आजमगढ़ का हुआ, इसने साबित भी कर दिया। तो बीजेपी बड़ी आसानी से 80-20 का खेल खेल सकती है, बिखरे हुए मुसलमान वोटों के सहारे सत्ता में पहुंच सकती है। लेकिन बीजेपी के पास इस समय एक सुनहरा मौका है असल में मुसलमानों के बीच जाकर पैठ बढ़ाने का, फ्रिंज एलिमेंट से मुकाबला करने का। बीजेपी भी डरती है, देखिए उन हिंदू और मुसलमान फ्रिंज एलिमेंट से, हिंदू फ्रिंज एलिमेंट से भी खास तौर से, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो बीजेपी के लिए भस्मासुर का काम कर सकते हैं, सरकार के लिए भी कर सकते हैं। पार्टी को तो वोट चाहिए, पार्टी को तो सत्ता में आना है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहानी बदल जाती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात होती है, आर्थिक संबंधों की बात होती है, कूटनीतिक संबंधों की बात होती है, किसी से तेल लेना है, किसी से केमिकल लेने हैं, किसी से फर्टिलाइजर लेना है, कोई हमारे पड़ोसी दुश्मन जो देश है उससे हमें बचाएगा, हमें हथियार देगा, हमारा साथ कूटनीतिक स्तर पर देगा, तो ये बहुत सारे जो मापदंड है इनका ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती, और बीजेपी को भी लगता है कि जिन फ्रिंज एलिमेंट्स को वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती रही, अब उनके लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस हु लिव बाय मीडिया डाई बाय मीडिया एक कहावत भी है, और इनकी तादाद सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरे वर्ग की भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरा वर्ग शांत बैठा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष को हानि होती है, देश को आर्थिक हानि होती है, जनता को आर्थिक हानि होती है, और इसका फिर सियासी नुकसान बीजेपी को या सत्तारूढ़ पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। अभी तक आप चुनाव जीतते रहे हैं, जरूरी नहीं है आगे भी आप चुनाव जीतते रहे, खासतौर से तब जब आर्थिक परिस्थितियां खराब होती जाएं, बद से बदतर होती जाएं, या ये आशंका आरबीआई जताता रहे कि अगले कई सालों तक आर्थिक स्थिति पटरी पर उस रूप से नहीं आने वाली जैसे कोविड काल से पहले की थी। तो एक कहानी ये है। तो यही मोहन भागवत साहब का भी चूरू का बयान ध्यान में रखना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि अपनापन होना चाहिए, हमारी आत्मीयता में अपनापन होता है, इसमें दुर्भावना नहीं होती, हमारे मन में अपनापन है, दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, दुर्भावना होगी तो आत्मीयता जाती रहेगी,
तो कुल मिलाकर थोड़ा दर्शन शास्त्र ज्यादा था, लेकिन फिर भी संघ प्रमुख किसी तरह संकेत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या संघ प्रमुख और सरकार प्रमुख यानी भागवत और मोदी दोनों ने साथ क्या एक साथ तय कर लिया है कि अब फ्रिंज एलिमेंट्स पर रोक लगाने की जरूरत है, और इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि हेट स्पीच को लेकर एक कानून बनाया जा सकता है, मोदी सरकार ड्राफ्ट बना रही है, हेट स्पीच की परिभाषा इसमें तय की जाएगी और आर्थिक जुर्माना या फिर सजा या दोनों इस तरह के प्रावधान हो सकते हैं, वो ड्राफ्ट आएगा तब पता लगेगा। तो कुल मिलाकर एक जस्टिस पारिदार हैं पारदीवाला, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के साथ मिलकर नुपुर शर्मा मामले में फैसला किया था। उनका भी कहना है कि पार्लियामेंट को डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना चाहिए। उनका कहना था कि जो ट्रोलिंग होती है जिसमें अधकचरा किस्म के लोग होते हैं, जो अर्धज्ञानी होते हैं, जो फिक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैक्ट्स उनको कम पता होते हैं, अर्ध सत्य के शिकार होते हैं, आधा सत्य आधा झूठ उन्हें बताया जाता है, उसी को वो आँख बंद कर फॉरवर्ड कर देते हैं। भारतीय का जो लोकतंत्र है वो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, वो परिपक्व नहीं है, और ऐसे में न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है ये सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया। अब जज साहब ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में कानून को देखकर, सबूतों को देखकर, धाराओं को देखकर, आईपीसी सीआरपीसी को देखकर फैसला करेंगे, या फिर सोशल मीडिया डिजिटल में जो चल रहा है, जो ट्रोल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, जो वायरल नहीं हो रहा, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस पक्ष के ज़्यादा लोगों के बयान आ रहे हैं, उनसे उनका फैसला प्रभावित होने लगेगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ये चार बातें हुई हैं। इसमें हेट स्पीच की बात भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि हेट स्पीच की परिभाषा इस रूप से होनी चाहिए जिसको लेकर कोई विवाद ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष का व्यक्ति अगर कुछ स्पीच करता है तो वो तो हेट स्पीच में नहीं आएगी, लेकिन दूसरे धर्म का करता है, दूसरे समुदाय का करता है, या कोई बुद्धिजीवी करता है, कोई सरकार विरोधी कर देता है, तो वो हेट स्पीच हो जाएगा, और फिर उसको लेकर तमाम तरह की मुकदमेबाजी। हम यहाँ कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, फलाना सरकार, ढिमका सरकार की तरफ नहीं जा रहे, मोटे तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हेट स्पीच को किस रूप में लेगी और दोनों आंखों से समान रूप से उसको उसी रूप में लेगी, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या ये चार चीज़ें जो हैं, चार बातें जो हैं, अमल में लाएंगी, वास्तव में अमल में आएंगी, और अगर आई तो इस सब का इंतजार देश पूरे बेसब्री से कर रहा है, आप यकीन मानकर चलिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।